नीव नमस्कार फैमिली, आपको मेरा मैं जगदीप सिंह चौहान आज आपके लिए लेकर आया हूँ 2 BHK फ्लैट उत्तम नगर के अंदर, दिल्ली शहर के अंदर। तो 60 गज का 2 BHK फ्लैट गाड़ी पार्किंग के साथ दोस्तों। हाँ जी फैमिली मेरी, 2 BHK फ्लैट गाड़ी पार्किंग के साथ लेकर आया हूँ उत्तम नगर के अंदर। शुरुआत करते हैं फ्लैट की वीडियो देखने के लिए, पर उससे पहले चैनल को एक बार जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर को जो है वो बढ़िया से ठोक दीजिए। तो शुरुआत करते हैं फ्लैट को देखने की, तो आइए चलिए चलते हैं। सो फैमिली आ जाइए अंदर। 2 BHK फ्लैट हमारा ये बहुत शानदार हमारा ये फ्लैट है जो आप देख रहे हैं। पहले मैं आपको एंट्री करने से पहले एक बार बता दूं कि 2 BHK हमारा फ्रंट में, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि पीछे भी 1 BHK है और फ्रंट में 2 BHK है। तो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर। तो सबसे पहले खांडा साहब मैं कहूँगा मेरी फैमिली को जो है इसका हॉल का जो साइज़ है वो दिखा दीजिए, क्योंकि मेन ज़्यादातर हॉल पर ही हम लोग बैठते हैं। फैमिली आती है, गेस्ट आते हैं, तो वो लोग सब लोग ज़्यादातर हमारे हॉल एरिया पर ही सबसे ज़्यादा बैठते हैं। तो अब हम इसके बाद दिखाएंगे आपको वॉलपेपर जो आप देख रहे हैं। इस हॉल की सबसे बड़ी शान वो है यहाँ का वॉलपेपर, कितना खूबसूरत आप देख रहे हैं कि ये वॉलपेपर है जो कि 2 वॉल पे दिया हुआ है हमने, 1 इस वॉल पे भी और 2 इस वॉल पे भी। पूरी वॉल को हमने, दोनों वॉल को पूरा कवर करा हुआ है। चिड़िया है, फूल है, पत्तियां हैं, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पर। तितलियाँ भी हैं यहाँ पर, दिखाता हूँ देखो दोस्त कहाँ पर है, देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है तितलियाँ। तो तितलियाँ भी हैं, चिड़िया भी है, फूल भी है, तो लगेगा बागों में रह रहे हो बस आप, मन महकता रहेगा। तो इतना बढ़िया शानदार वॉलपेपर आपको दिया, तो इसी के नाम पर एक बार जो है वो आप जो चैनल को है ना वो एक बार लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मेरी फैमिली को, देखिए ऊपर जरा कितनी बेहतरीन फॉल सीलिंग का आपको डिज़ाइन दिया हुआ है यहाँ पर। इसी के अंदर हमने कोप लाइट आपको लगा कर दी है जो कि 1 साल की गारंटी के साथ है। एक फैन आपको बजाज का हमने यहाँ पर लगा कर दिया है जो कि वो भी आपका 1.5 से 2 साल की गारंटी के अंदर रहता है। तो आप देख रहे हैं इसी हॉल के अंदर एक हमारा बाथरूम है जो कि आप देख रहे हैं कॉमन बाथरूम, वो दिखा देता हूँ पहले आपको। बाथरूम का साइज एक बार दिखाइए खांडा साहब बढ़िया से, एक बार मेरी जो फैमिली है वो देख सके कितना खुला डुल्ला जो साइज है। अभी पीछे भी मैं खड़ा था और यहाँ तक काफ़ी बड़ा स्पेस जो है वो दिया हुआ है बाथरूम का। यहाँ पर आपको एक गोल्ड की शीट लगा कर दी जा रही, गोल्ड कंपनी की जो आप देख रहे हैं, खुली बड़ी साइज़ की ये शीट है जो आप देख रहे हैं गोल्ड की। यहाँ पर एक गीज़र का ऑप्शन दिया हुआ है इसके बाद, जहाँ पे आप यहाँ पे अपना गीज़र लगा सकते हैं। सॉकेट है यहाँ पे, अपना ज्वाइंट कीजिए और अपना गीज़र को, अब सर्दियाँ आ गई और ठंडा ठंडा कूल कूल जो पानी था उसको आप गर्म गर्म कर सकते हैं, हॉट हॉट वाटर, ठीक है। हर बार की तरह वही जो हमारी आप वॉल देख रहे हैं बढ़िया डिजाइनिंग के साथ, बाथरूम आपका तैयार करा हुआ है ऊपर की हाइट तक। आपको यहाँ पे हमने टाइल लगा कर दी है, सीलन को लेकर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कभी भी। इसी बाथरूम के अंदर आपको एक शावर दिया हुआ है, बढ़िया शावर है आपका, सैनिटरी आइटम दी हुई है। नीचे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर हमने वही आपका यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है शावर का, एक टूटी आपको यहाँ पर दी हुई है। टेरोविट का हमारा ये जो पूरी सैनिटरी है वो आइटम है इसकी। यहाँ पर आप एक गोल्ड वेयर की यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन आपको दिया हुआ है आपके लिए। मूवेबल हमारी जो यहाँ पे टैब है, ठंडा और गर्म पानी का यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है। तो ये हमारा जो बाथरूम आपने पूरा देखा हॉल के अंदर। अब चलते हैं हम लोग अपने रूम की तरफ को। मैं रूम में पहुँचने से पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसी हॉल में ना एक जो LCD पैनल है वो भी आपको हमने दिया हुआ है जो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप अपना 56 इंच की जो है अपनी LCD यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। मोदी साहब के सीने की जो इतना चौड़ा है ना उसी तरीके से आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं इस चीज़ को। तो आइए हम चलते हैं अब अपने रूम की तरफ को। रूम पर जाने से पहले मैं यहाँ भी दिखाऊँगा एक बार, गैलरी दिखाइए, गैलरी एरिया कितना अपना बढ़िया है, खुला डुल्ला हमारा गैलरी एरिया है। पूरी 1-to-1 मतलब 1-to-end तक पूरी जो फॉल सीलिंग है वो एंड तक कवर करी गई है, वहाँ किचन तक भी पूरी, मतलब गैलरी से मेन एंट्री से शुरुआत होकर बिल्कुल एंड तक आपको हमने यहाँ पर जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन वो दिया हुआ है। तो अब हम एंट्री करते हैं अपने पहले फर्स्ट रूम के अंदर हॉल के बाद। तो इसका जो हॉल का साइज़ है वो एक बार बढ़िया से आप देख लीजिए। ये हमारा फर्स्ट रूम है जिसके अंदर मैं हम खड़ा हुआ हूँ अभी। इसका साइज़ देखिए एक बार, बहुत बेहतरीन इसका साइज़ है। बेड वक्पा बहुत आराम से आ जाएगा, 6x6 का बेड आप आराम से लगा सकते हैं। ये वॉलपेपर एक आपको दिया हुआ है, 3D वॉलपेपर है, बहुत बढ़िया हमारा वॉलपेपर है और वॉशेबल है ये, क्योंकि गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, क्रीमी कलर का होता है तो थोड़ा क्या होता है वाइट होने में, वाइट शेड क्रीम शेड होने पर कलर जो है गंदा हो जाता है। तो ये वॉशेबल हमने यहाँ पे वॉलपेपर आपको दिया है, बहुत बढ़िया 3D, जब आप इसको पास से करीब से देखेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। यही वॉलपेपर हमने 1 BHK के अंदर भी एक दिया हुआ है ऐसा ही। इसी के साथ साथ रूम के अंदर आप ऊपर देख रहे हैं फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, इसका भी सीलिंग का डिज़ाइन दिखा दीजिए एक बार मेरी फैमिली को। पर एक फ़ैन यहाँ पर मिला हुआ है बजाज का, वो भी फ़ैन है आपका जो हम आपको फ्री दे रहे हैं इसी रूम के अंदर। एक आपको जो है वो अलमीरा हमने दी हुई है, अलमीरा का साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरी ऊपर 9 फुट की हाइट पर हमारी ये अलमीरा दी हुई है, इसका साइज़ भी आप देख लीजिए, खुला साइज़ है इसका। काफ़ी सारा सामान जो है आपका आराम से इसके अंदर आ जाएगा, कपड़े आपके आ जाएंगे, एक बार पास से दिखा दीजिए फैमिली थोड़ा सा देख सके, ताकि आप देख रहे हैं अभी सामान पड़ा हुआ है हमारे मिस्त्री साहब का, तो सामान हट जाएगा वो और सफाई हो जाएगी अलमीरा की। और एक LCD पैनल यहाँ पर आपको दिया हुआ है हमने
जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जिसका पॉइंट यहाँ पर हमने दिया हुआ है, जैसे यहीं से आप सारे बटन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। फॉल सेलिंग के जो लाइटें हैं, कॉप लाइट है, वो सब यहीं से ऑन ऑफ भी आप अपने यहाँ से कर सकते हैं। एक रेगुलेटर आपको यहाँ पर हमने दिया हुआ है। इसी रूम के वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर आपको शाफट दी हुई है, जो आप देख पा रहे हैं। शाफट का साइज जो है वो भी बढ़िया है, आप देखिए। आप फैमिली एक बार ताकि पता लग सके, यहाँ से वेंटिलेशन आपका रहने वाला है हमेशा, तो आपको यहाँ की कमरा जो है यहाँ पे घुटन सी महसूस कभी भी नहीं होगी। तो आइए चलते हैं अब हम लोग इस रूम के बाद अपने सेकंड रूम की तरफ को। नेक्स्ट मैं आपको रूम दिखा देता हूँ एक बार, पर रूम देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किचन जो है वो हमारी फ्रंट साइड में ही आ रही है। तो फ्रंट में मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। ये किचन का हमारा पूरा साइज है, यहाँ पर 2 BHK 60 गज के हिसाब से बहुत बढ़िया हमारी किचन है। सिंक यहाँ पर दी हुई है, आप देख रहे हैं, सिंक बहुत बढ़िया स्क्वायर में यहाँ पर सिंक लगाकर हमने दी है। साथ ही में यहाँ पर आपके लिए हमने एक प्लेट लगा दी है, जो 1 BHK में भी लगाई थी, ताकि इधर का जो पानी है धोते वक्त कुछ भी बर्तन धो रहे हैं तो वो बाहर की तरफ को ना गिरे। टैप दी हुई है, मूवेबल टैप है हमारी, आप देख रहे हैं, दोनों तरफ को घूमती है। जिस मर्जी को आप बर्तन धोना चाहते हैं उधर घुमाइए और अपने को यूज कीजिए। ठंडे और गर्म पानी का ऑप्शन दिया हुआ है। डायरेक्ट टंकी से जो पानी आना है मोटर से, वो भी टूटी यहां लगी हुई है। और एक आरओ का पॉइंट यहां पर दिया हुआ है, जो कैबिन यहां पर आप देख रहे हैं, यहां लगा सकते हैं आप अपना, यहां चाहे तो आप अपना बर्तन का स्टैंड भी लगा सकते हैं, चाहे तो आरओ का जो पॉइंट है वो भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर आप रैक देख रहे हैं, पूरे हमारे पूरे कवर करे हुए जो रैक आप देख रहे हैं, रैक के आपको काफ़ी सामान आपका जो है वो आराम से यहाँ पर आ जाएगा। और ये हाइड्रोलिक है, हर बार की तरह हाइड्रोलिक जो मैं देता हूँ आपको रैक, वो भी यहाँ पर है। मतलब कि इसको बंद करने के लिए मुझे पूरा बंद नहीं करना, बस ऐसे करना है, बाकी अपने आप धीरे धीरे बंद होता जाएगा। एक चिमनी आपको मैंने यहाँ पर लगा कर दी हुई है, जो कि वर्किंग हो चुकी है। वैसे चिमनी की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर फिर भी आपको चिमनी लगा कर दी है। वेंटिलेशन है, एग्जॉस्ट भी लगाएंगे तो भी यहाँ पर चलता है। खिड़की यहाँ पर लगी हुई है आपकी, और सामने पीछे ही बालकोनी है। नीचे रैक है, जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी खुला स्पेस है किचन के अंदर का। यहाँ अपना यहाँ होल हो जाएगा गैस लगाने के बाद, नीचे सिलेंडर आप अपना रख सकते हो, और फिर भी उसके बाद काफ़ी स्पेस हैगा। इस तरह से हमने स्टील के जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं 304 की हैवी स्टील लगाकर दी हुई है। काफ़ी सारा जो बर्तन है आपके वो यहाँ पर भी आराम से आ जाएंगे। थोड़ा पास से दिखाइए ताकि हमारी जो फैमिली है उसको देख सके और उनको पता लग सके जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर एक जगह दी हुई है सिंक के नीचे ही, काफ़ी सामान जो आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। जैसे कूड़ा वगैरह आपने रखना हो, कुछ पोछा वगैरह रखना हो, तो आप अपना यहाँ पर अंदर रख सकते हैं। सो फैमिली, अगर किचन आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक बार जो मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है आपका वही लाइट्स के, इसी रूम के अंदर, किचन के अंदर। अब हम चलते हैं अपने रूम के अंदर, जो हमारा मेन रूम है, मास्टर बेडरूम है, जो कि सबसे फ्रंट के अंदर है। ये इसका साइज है जो आप देख रहे हैं, 60 गज के हमारे 2 BHK का। यहाँ भी डबल बेड आपका बहुत बढ़िया से यहाँ पर आराम से लग जाएगा, बहुत अच्छा था। और इसी रूम के अंदर आपको वॉलपेपर लगा कर दिया हुआ है, वही टाइगर की खाल वाला। इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि 2 से 3 वॉलपेपर जो है वो बिल्कुल ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इस टाइम ये जो वॉलपेपर है बहुत ही बढ़िया ट्रेंड के अंदर ये चल रहा है, बहुत बढ़िया लगता है। इसके पीछे आप खड़े होकर फोटोग्राफी भी बढ़िया करा सकते हैं, खड़े होकर अच्छी आपकी फोटोज वगैरह बहुत प्यारी आने वाली है यहाँ पर, ठीक है। इसी रूम के अंदर आप अगर देख पा रहे हैं तो फॉल सीलिंग का जो डिज़ाइन है वो एक बार देखिए ऊपर, हाँ दिखाइए हमारी फैमिली को। इसके अंदर भी फैन आपको बजाज का जो है वो हम यहाँ पे आपको लगा कर दे रहे हैं साथ ही साथ। और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन जो है वो बहुत बढ़िया, बीच में गोल बनाए हुए हमने डिज़ाइन, और चारों तरफ जो है वो स्क्वायर करके दिया हुआ है आपको। इस रूम के अंदर आपको एक बाथरूम भी दिया हुआ है हमने, छोटा बाथरूम है, मगर यह कि एक सिंगल बंदे के लिए काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे आप अपना देखिए, आप यहाँ पे हमने शीट आपको लगाकर दे दी है, विडा की इसकी शीट आपको लगाकर दी हुई है। और 60 गज के 2 BHK के अंदर काफ़ी स्पेस निकालते हुए बाथरूम को हमने यहाँ पर आपके लिए निकाला है। तो इसी रूम के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ बालकोनी जो फ्रंट में आ जाती है। बालकोनी का एरिया जो है वो काफ़ी खुला खुला इसका एरिया है, जो आप देख रहे हैं साइज़ आप देखिए एक बार। यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन जो है वो बहुत आराम से आपकी आ जाएगी। वॉश मशीन का टैप भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, टैप दी हुई है, और यहाँ सॉकेट दिया हुआ है अपना। यहाँ वॉशिंग मशीन आप अपना लगा सकते हैं, और कपड़े अपना चाहे तो यहाँ पे आप अपना धो सकते हैं। काफ़ी खुला डुल्ला यहाँ पे स्पेस है। अपर ग्राउंड पर मैं खड़ा हूँ, इसके ऊपर 1st फ्लोर 2nd फ्लोर भी अभी अवेलेबल है। और सामने आप जो गली देख रहे हैं, गली एक बार दिखाइएगा ज़रा फैमिली को मेरे की, गली देख सकें ताकि पता लगे गली कितनी खुली डुल्ली गली है, साफ़ सुथरी गली है, सुंदर गली है, बिल्कुल एकदम 25 फुट की गली है। पानी है, बिजली है, सीवरेज है, सारी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो फैमिली, जैसे आपने हमारा ये फ्लैट देखा, तो आइए चलते हैं, इसके प्राइस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आइए चलते हैं हम लोग अपने होल एरिया में। तो आइए चलते हैं। सो फैमिली, घर देखकर हम पूरा आ चुके हैं, पूरे घर का व्यू हमने कर लिया है फ्लैट का।
क्योंकि देखिए 2 BHK के अंदर इससे बढ़िया जो साइज़ है वो नहीं मिलने वाला, 60 गज का साइज है हमारा, गाड़ी पार्किंग के साथ है। इसके बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस बहुत बढ़िया इसका प्राइस है। प्राइस जानने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फैमिली कि वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि जो मेरे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास ये हमारी वीडियो जो है वो पहुँच सके और वो भी हमसे संपर्क कर सकें। तो बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है मात्र 23,50,000 रुपये, तो गाड़ी पार्किंग के साथ मेट्रो से 800-900 मीटर की दूरी पर। तो फ्लैट को बुक कराइए, मुझे कॉल कीजिए, जगदीप सिंह चौहान मेरा नाम है, 9540357454 मेरा मोबाइल नंबर है, नीव रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और मेरी कंपनी का भी। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, आप सभी को मेरा नीव नमस्कार। तो हेल लो।